दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अभी प्रवेश परीक्षाएं होने बाकी है। इस बीच में बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है आपस में टकरा गई है। कैसे टकराई है वो आप इस वीडियो में देखिएगा। अब प्रवेश परीक्षा की तिथियां आपस में टकराई तो जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम देने वाले वो परेशान तो हो गए ही। अब इसका सोल्यूशन क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो एडमिट कार्ड पर देख लें। अगर एक से ज्यादा कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो टकराना नहीं चाहिए, अगर टकराएगा तो कोई एक ही एग्जाम आप दे पाएंगे। इसी बीच प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 18 अक्टूबर से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस प्रस्तावित है, ठीक है, 18 अक्टूबर से। अब इसी बीच में जो उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के इंचार्ज हैं प्रोफेसर आई आर सिद्दीकी, उनका कहना है कि किसी तरह की समस्या नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने क्या किया है देखिए, एलएलएम और एमकॉम के दाखिले के लिए आवेदन करने वाले परेशान है क्योंकि 21 अक्टूबर की इनका टेस्ट है और दोनों टेस्ट 12:30 बजे से 1:30 बजे तक शुरू है, यानी 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है दोनों टेस्ट, तो अलग अलग एग्जाम सेंटर पे, तो कैसे हो पाएगा। तो इस मसले को लेके जो सिद्दीकी साहब हैं जो कि इंचार्ज है, उसी तरह बीए और बीएएफ की प्रवेश परीक्षा एक ही दिन और एक ही समय पे है, तो ये बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों में आपस में क्लैश हो गए, बिल्कुल टकरा गई। तो इसके मद्देनजर रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि बीजेपी के विंग है, इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, यानी लेटर दिया है कि इसको शिफ्ट किया जाए। तो हुआ यूं है कि प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक ने कहा है कि यूं किया जाएगा कि जैसे बीएलएलबी और बीए के जो परीक्षा केंद्र पे एक ही जगह पे बनाया जाएगा और अलग अलग पालियों में कर दिया जाएगा, जिससे जो कैंडिडेट्स की परेशानियां दूर हो जाएगी, यानी एग्जाम तो उसी डेट को रहेगी लेकिन एक ही एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा अलग अलग टाइमिंग पे। तो जो बच्चे परेशान है उनके परेशानियों को दूर किया गया है। जो प्रोफेसर है आई आर सिद्दीकी जी, इन्होंने कहा है कि एक ही एग्जाम सेंटर पे आपके दोनों परीक्षाएं होंगी लेकिन टाइमिंग अलग अलग होगा, जिससे आप दोनों परीक्षाएं आराम से दे सकेंगे और आपको कोई दुविधा नहीं होने वाली है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है, ये सब प्रोफेसर लोग खुद ही सोच समझ के ही ऐसा करें। अब एडमिट कार्ड जिन्होंने डाउनलोड किया उनको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो होती है यूनिवर्सिटी करेगा तो बच्चे यही करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाएंगे, क्या मैनेज करेंगे जब एग्जामिनेशन अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे। उसी तरह बीएचयू का जो टेस्ट हुआ उसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बहुत सारे गड़बड़ियां की, उसके लिए अलग वीडियो मैंने बनाया है। तो ऐसे छोटी छोटी मुझे रिक्वेस्ट है कि यूनिवर्सिटी गलती ना करे, अगर ऑफिशियल्स कोई इस वीडियो को देख रहा है, बच्चे परेशान होते हैं और आपके यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता है क्योंकि मीडिया में ये न्यूज छप जाती है। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ जिसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, आप लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही लेके आता हूं। तो वीडियो देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।